राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपनी टिप्पणियों से चर्चाओं में रहते हैं। पहले उन्होंने आदिवासी और हिंदू विषय पर अपनी बात कही थी, विधानसभा में हंगामा हुआ, कांग्रेस ने बहिर्गमन किया, भारत आदिवासी के पार्टी के विधायक और सांसद उनका विरोध जता रहे हैं, माफी मांगने की बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से फ्रंट फुट पे आके मदन दिलावर खेलते हैं, वैसा राजस्थान में दूसरा नेता नहीं कर पाता। मदन दिलावर को आधी रात में भी जगा के किसी भी विषय पे अपने विचार रखने को कहा जाए तो धर्म और पाकिस्तान जैसे मुद्दे आ ही जाते हैं, भले ही बात साइंस विज्ञान टेक्नोलॉजी की हो या एजुकेशन की। मदन दिलावर ने एक बार फिर से झुंझुनू में संबोधित करते हुए राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधा है और साथ ही अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस ये कह रही है सत्ता में आई तो 370 अनुच्छेद को वापस लागू किया जा सकता है। तो मदन दिलावर ने कहा है कि अब उनका बाप भी ये नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट मदन दिलावर ही दे सकते हैं। मदन दिलावर वैसे तो सहज सरल उपलब्ध नेता हैं, लेकिन कट्टर छवि के माने जाते हैं। विपक्ष में रहते हैं तो उनका परफॉर्मेंस गजब का रहता है। पिछली बार तो कई बार सस्पेंड भी हुए थे, वापस आते हैं। अब वो मुद्दा उठा रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से देश के नागरिकों को हिंसक और झूठा कहा है, भारत का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। राहुल गांधी देश से माफी मांगे। माफी की मांग मदन दिलावर से भी चल रही है, जिसमें आदिवासियों पे जो टिप्पणी है, आदिवासियों का ऑब्जेक्शन है, कांग्रेस भी उसमें ऑब्जेक्शन कर रही है। यहां बात करते हुए मदन दिलावर झुंझुनू में कहते हैं कि चाणक्य का उल्लेख किया उन्होंने, कहा चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति या बेटा देश का भला नहीं कर सकता हो, बल्कि वह देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा। चाणक्य की बात बिल्कुल सच साबित हो रही है। चाणक्य ने कब कहा यह भी शोध का विषय है। हालांकि तो उन्होंने राहुल गांधी पे विदेशी महिला के पुत्र का आरोप लगाते हुए कहा कि इसलिए वे देश के खिलाफ बोलते हैं। झुंझुनू के दौरे पर मीडिया कर्मियों से सर्किट हाउस में बात करते हुए उन्होंने राहुल गांधी के बयान, कोचिंग स्टूडेंट्स के सुसाइड और किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे समेत कई मुद्दों पे, कई बिंदुओं पे अपने विचार जाहिर किए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश के लोगों को हिंसक कहा है, झूठा कहा है, इससे बड़ा अपमान हिंदुस्तान और हिंदुओं का नहीं हो सकता। तो शिक्षा मंत्री ने कई सारे आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक बार यह बयान दिया कि हिंदू मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। यह सारी चीजें जो है, अब बयानबाजी के चलते ही मदन दिलावर का इस्तीफा मांगा जा रहा है और मदन दिलावर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ कहा है मदन दिलावर ने और आपको क्या लगता है उनके बयानों पे, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को हिंसक कहा है, झूठा कहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ा अपमान पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुओं का कोई हो नहीं सकता। पता नहीं क्या कांग्रेस किसके इशारे पर चल रही है, कहां से कोई को प्रेरणा देने वाला है। और तो सही बात कि चाणक्य ने कहा कि विदेशी महिला के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति या बेटा कोई भी देश का भला नहीं कर सकता, बल्कि देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और चाणक्य जी की जो बात है बिल्कुल सच हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक विदेशी महिला के पुत्र है, इसलिए लगातार देश के खिलाफ, देश राष्ट्र के खिलाफ बोलते रहते। एक बार उन्होंने ये भी बोला था कि जो हिंदू हैं वो मंदिर पर जाते थे, वो लड़कियां छेड़ने जाते, यानी हमारी बहनों का अपमान, हमारे भाइयों का अपमान। और अभी तो उन्होंने बिल्कुल गजब ही कर दिया कि हिंदू हिंसक है, झूठे हैं, ये कहकर पूरे हिंदू समाज का, हमारे साधु संतों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे आने वाली जनरेशन का, हमारा घोर अपमान किया है, इसको किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया है, अब मंत्रिमंडल का विस्तार करता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बता देंगे। आपने कहा था कि गर्मियों के जो छुट्टियां हैं उनमें शिक्षकों के तबादले हो जाएंगे, दोबारा स्कूल खुल गए हैं, अभी तक तबादले नहीं।
तबादले जब करना प्रारंभ करेंगे आपको जानकारी देने के बाद कोई क्योंकि क्योंकि हमेशा विधानसभा चलती है उसमें कोई स्थानांतर नहीं होते। श्रेणी के जो अध्यापक हैं वो लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे हैं, कब तक तबादले? झूठ बात है, इंतजार कर रहे क्योंकि वो जो भर्ती हुई थी प्रावधान था जिले के बाहर से ट्रांसफर, जिले के बाहर ट्रांसफर नहीं होते, आज भी नियम है, पहले भी नियम था और इसीलिए उनके ट्रांसफर नहीं हो रहे। फिर भी उनकी पीड़ा को समझते हुए मंत्रिमंडल विचार कर रहा है, ऐसा भी नहीं होगा उसके हिसाब से कार्रवाई करना। हर सरकार का बड़ा मुद्दा रहता है तबादला नीति का, तबादला नीति बनती है लागू नहीं होती, कब तक तबादला नीति बनेगी, कब तक लागू होगी? जरूर आपको उस समय जानकारी देंगे कि आज से लागू कर। झुंझुनू डीओ ऑफिस राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, अध्यापक डीओ के खिलाफ मामला दर्ज करवा रहे हैं, डीओ अध्यापकों के खिलाफ, और नामांकन मेरी जानकारी में आज आया है जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सरकार ने डेपुटेशन रद्द किए हैं, मगर झुंझुनू में कुछ ऐसे अध्यापक हैं जो डेपुटेशन पर अभी भी जमे हुए हैं। जो जो व्यक्ति 1 जनवरी के पहले से डेपुटेशन में जमे हुए हैं तो उनको निकाल दें और उनको निरस्त है। एक पोषण को लेकर जो बाल गोपाल योजना चलाई गई, बच्चों को स्कूल में दूध मिले, लापरवाह अधिकारियों की वजह से स्कूलों में जो दूध है वो एक्सपायर होता है। झुंझुनू की बात करें तो लगभग 2,000 लीटर दूध है वो एक्सपायर हुआ है, तो इस तरह का लापरवाह अधिकारी। मैं भी बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पाउडर के दूध को पीते हैं, उसके कार्ड से हमारा पाउडर बच जाता है, परंतु हम विचार कर रहे हैं कि इस कार्ड में अच्छा क्या हो सकता है। ब्लेड्स भी एक इसका अल्टरनेट हो सकता है, उस पर हमारे जो प्रसार के एक्सपर्ट है वो विचार कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा, हमने ये कहा था इस पर विचार करेंगे ताकि उनका बहुत सारा 3-4 साल जो बेकार हो जाता है वो बेकार जाता है, तो इस पर हमारे एक्सपर्ट और हम सब उनका विचार कर रहे हैं, कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है। हम तो बाबूजी 6 महीने से कांग्रेस ने पार किया ना, कांग्रेस ने पार किया है, उनको ठीक करने का बड़ा प्रयास है। सरकारी स्कूलों में नामांकन वर्दी के प्रयास तो होते हैं मगर अध्यापकों की उदासीनता के चलते नामांकन वर्दी नहीं हो पाती है, निजी स्कूलों के गुणवत्ता में उनके पास संसाधन में भी जा पाए फिर भी नामांकन वर्दी नहीं हो पा रही है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें 0 से 5 तक के नामांकन। देखो इसके कई कारण, एक तो कई जगह मैंने देखा है 200 मीटर की दूरी पर विद्यालय कर दी, उसकी जरूरत नहीं थी, तो वहां तो नहीं बढ़ सकते। और धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही, लगातार सब माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाए, इसलिए कम से कम अब नहीं पता जो पैदा होते हैं उस लाइफ में जाते हैं उम्र के हिसाब से उसमें जरूर बढ़ती होती है, वो तो जरूर बढ़ती होती है, लेकिन जैसा हम सोचते थे कि जो लोग अनपढ़ रहे उनको भी टूट फूट के लाए, वो वर्दी कम होती है, जब कम लोग रहे सब माँ बाप जागरूक हो गए कि अपने बच्चों को पढ़ा। क्या सरकार ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर मर्जर करने का काम करेगी जो 200 मीटर की दूरी के अंतराल में बने हुए हैं? हम इसको मर्जर भी करेंगे और जो जबरदस्ती डिमर्ज करते हैं उनको डिमर्ज भी करेंगे, जो सरकार के नियम बने हुए कितने कितनी दूरी पर कितने बच्चों पर विद्यालय होना चाहिए उसके हिसाब से कार्य करें। एक अंग्रेजी जो विद्यालय खोले गए महात्मा गांधी उनको लेकर है कि उनको बंद करने की, किसने कहा अंग्रेजी विद्यालय खोले? एक बेवकूफ का नाम बता दो जिसने ये कहा और खोलाओ एक विद्यालय बता दो जो अंग्रेजी खोला। इन्होंने नाम बदला है, एक विद्यालय भी खोला न, जिसके लिए कमरा बनाया न, जिसके लिए अध्यापक लाए, और एक बोर्ड लटका गया अंग्रेजी विद्यालय हो गया। अंग्रेजी विद्यालय वैसे हो जाते हैं क्या? ये जनता को बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र रचा था कांग्रेस ने, इसमें वो विफल हो गई। इसमें कुछ बदलाव हो गए? हम इसकी हम टीम बना करके एक एक्सपर्ट से आ रहे हैं, जो भी छात्रों के हित में होगा वो करेंगे। मंत्री जी आपने मोबाइल वाला ये नोट लगाया था, टीचर कब तक इसको फॉलो करेंगे? चल रहा जिस दिन से कहा उस दिन से हो रहा है। सर झुंझुनू पिछले दिनों टेंट लगने से सरकारी स्कूल में बच्चे की मौत हुई है, जांच कमेटी गठित कर